हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 24 अक्टूबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज तारीख है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के आज हम 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप प्रश्न रहेगा जो कि कुछ महीने पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं। और इसी करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़े बहुत जीके जीएस भी प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहेंगे, जिसमें हम लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो UNO डे यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? तो मैंने बता दिया 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना होती है। कब? तो 24 अक्टूबर 1995 को जब इसकी स्थापना होती है। तो स्थापना के समय इसमें 51 देश थे, लेकिन साइन अगर पूछे कितने देश करते हैं तो 51 में से 50 लोग इस पर जो है इस संगठन की स्थापना करने के लिए साइन करते हैं। पोलैंड इसमें जो एक देश था इसमें साइन नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ दिन बाद करता है, लेकिन 50 देश तत्काल कर देते हैं। और पूछे UNO की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी रूजवेल्ट को दिया जाता है जो कि USA के उस टाइम के राष्ट्रपति थे। UNO का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। किस द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर। UNO के टोटल कितने अंग हैं? तो कुल 6 अंग हैं। इसीलिए अगर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो पहली बार मनाने की शुरुआत की जाती है 24 अक्टूबर 1973 को। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। पहली बार कब मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस? तो 24 अक्टूबर 1973 से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव पूछे कौन थे? तो त्रिग्वेली थे। किस देश के? तो नॉर्वे के थे। वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है संयुक्त राष्ट्र के? तो एंटोनियो गुतारेस हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो फिलेमोन यांग हैं। और जो ये संयुक्त राष्ट्र का महासभा है ये भी एक अंग है, तो इसे ही विश्व की लघु संसद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कौन हैं? तो वर्तमान में पर्वत नैनी हरीश जी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? कितने अंग मैंने बताया था? तो 6 अंग है। 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। एक अंग जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो द हेग में है। द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है, यानी नीदरलैंड में है। और जो इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है 9 वर्ष के लिए होता है। हाल ही में डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसबिस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2024 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन विज्ञान में। किसके लिए? तो प्रोटीन की संरचना के लिए। हाल में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो नीदरलैंड ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड वाइड वेब कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? तो CBSE ने प्रारंभ किया है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे करतारपुर कॉरिडोर का संबंध किससे है? तो यह गुरु नानक देव जी से संबंधित है, करतारपुर कॉरिडोर, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर समझौता किसके बीच में हुआ है? तो यह समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। यह समझौता हुआ है यानी कि पहली बार समझौता जो है करतारपुर कॉरिडोर के लिए 2019 से होता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, यानी 2024 के लिए होता है 5 साल के लिए। लेकिन यह समझौता जो है 5 साल के लिए हुआ था और यह 2024 में समाप्त हो गया। लेकिन अभी जब विदेश मंत्री जयशंकर जी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने इस समझौते पर फिर अगले 5 वर्ष के लिए समझौता कर लिया है, यानी कि 2029 तक जो है अब करतारपुर कॉरिडोर समझौता चलता रहेगा। अगर जो भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अगर करतारपुर जाना चाहते हैं, यानी करतारपुर का संबंध किससे हो जाता है? तो गुरु नानक जी से हो जाता है। तो यहाँ पे अगर गुरु नानक जी की दर्शन करना चाहते हैं तो भारत के लोग पाकिस्तान जाने के लिए उन्हें जो है कोई भी पासपोर्ट वीजे की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में करतारपुर स्थित है। ठीक है, तो करतारपुर जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे है। तो जो भी भारत में सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान में करतारपुर दर्शन करना चाहते हैं गुरु नानक जी की, तो वो जो है उनको पासपोर्ट वीजे की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले 2019 तक, फिर 2024, फिर 5 साल के लिए बढ़ा के 2029 तक कर दिया गया है।
सिख धर्म के संस्थापक पूछे कौन है, तो गुरु नानक देव जी हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद साहिब जी थे। और उसके बाद ही जो है सिख धर्म का अगर पूछे जो व्यवस्था था किसके हिसाब से चलने वाला था, तो गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो है सिख धर्म का परिचालन होने वाला था। ठीक है, और पूछे गुरु ग्रंथ साहिब किसने रचना की है, तो गुरु गोविंद सिंह ने करी है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने करी है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही करी है। कब, 1699 में। हाल ही में WHO द्वारा ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बना है, तो अपना भारत बन गया। ठीक है, भारत में अगर पूछे राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो 1963 में लागू किया गया था। भारत जो है पोलियो और चेचक मुक्त भी हो चुका है। UPS यानी एकीकृत पेंशन योजना भारत में कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। और UPS पेंशन योजना लागू करने वाला अगर पूछे कि भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, और पूरी भारत में कब से लागू हो जाएगा, तो 1 अप्रैल 2025 से। अगर पूछे कि UPS यानी एकीकृत पेंशन योजना किस समिति की सिफारिश पर भारत में लागू किया जाएगा, तो TV सोमनाथन समिति की सिफारिश पर। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी विधेयक किसने पारित किया है, तो यह पारित किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आनंद महिंद्रा जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, भारत का नवीनतम बंदरगाह गैलेथिया खाड़ी का मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप के गैलेथिया की खाड़ी में। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत का अगर पूछे 13वें नंबर का पोर्ट यानी नवीनतम बंदरगाह कौन सा है, तो नवीनतम बंदरगाह है मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यह 13वें नंबर का है जो कि भारत का नवीनतम है। और बारहवां पूछे कौन सा है, तो बारहवां है कामराज पोर्ट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। तो जो ये एयरपोर्ट है 13वें नंबर का, इसे कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ग्रेट निकोबार द्वीप के पास गैलेथिया की खाड़ी में स्थित इसे जो है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो 13वें नंबर का याद रखना है और 12वें नंबर का भी याद रखना है। और यहीं से जो है जो 13वें नंबर का एयरपोर्ट पोर्ट है, यहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल यह जो है उत्तरी अंडमान को और दक्षिणी निकोबार से अलग करता है। ठीक है, हाल ही में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो 21वें क्रम का कहाँ पे हुआ है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है, लाओस में। लाओस में किस जगह पे, तो लाओस के शहर बियंतने में। ठीक है, और यहीं पर जो है ईस्ट एशिया समिट ये भी लाओस के बियंतने में आयोजित किया गया है, जो कि 19वें क्रम का है। और आसियान का 44वां सम्मेलन पूछे कहाँ हुआ, तो ये भी बियंतने में हुआ। तो तीन संगठनों का याद रखना है, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, एशियन ईस्ट एशियन समिट और आसियान समिट, ये तीनों जो है कहाँ पे हुए हैं, बियंतने में हुए हैं। भारत आसियान का 21वां क्रम है, ईस्ट एशिया का 19वां क्रम है और आसियान का 44वां क्रम है। अगर बात करते हैं नेपाल के PM कौन है, तो KP शर्मा ओली जी हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में मेगा सेटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है, तो चीन ने लॉन्च किया है। हाल में चौथी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुई है, तो यह लॉन्च हुई है विशाखापत्तनम में, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो बात करते हैं भारत में, अगर बात करें कि भारत जो है स्वदेशी जो है अपनी तरफ से 2 INS को बना के रखा है। ठीक है, लेकिन भारत के पास अगर पूछे कुल कितने INS हैं, तो भारत के पास टोटल 4 हैं। ठीक है, जिसमें से भारत ने 2 खुद बनाया है, जिनमें से बात कर लेते हैं। पहला वाला जिसे S1 कहा जाता है, S1 जो कि हमने किससे लिया था, रूस से लिया था, और इसका नाम रखा था INS चक्र। और दूसरा जो हमने खुद से बनाया था INS अरिहंत, यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। और दूसरी पूछे INS अरिघात है, या दूसरी स्वदेशी है। और जो अभी चौथी जो है लॉन्च की गई है INS अरिगमन, या इसे S4 कहते हैं, क्योंकि S1 S2 S3 S4 इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो इसे विशाखापत्तनम के आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो भारत में अगर पूछे स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कितनी है, तो 2 हैं, और वैसे पूछे कितनी है, तो 4 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है, तो INS संधायक है, ये वाला पहला है। और दूसरा पूछे कौन सा है, तो INS निर्देशक, ये दूसरा सर्वेक्षण जहाज है। नवीनतम डीजल संचालित पनडुब्बी कौन सी है, तो 6ठे क्रम की है डीजल संचालित, जिसका नाम है INS वागीर।
गौरव क्या है? गौरव एक ग्लाइड बम है। जोरावर हल्का टैंक है जो पहाड़ों पर चढ़ने में आसानी से चढ़ जाएगा। समर क्या है? एडीएस यानी एयर डिफेंस सिस्टम है। अभेद क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट है। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला MACE का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह हेनले में किया गया है यानी लद्दाख में। और यह कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। और इस वेधशाला की अगर पूछे ब्यास कितनी है तो 21 मीटर इसका ब्यास है। ब्यास है इसको स्थापित किसने किया है? तो AK मोहंती जी ने किया है जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इंडिया में किया गया है। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन जी को चुना गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? तो यह बन गया है इसराइल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB कहते हैं, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होता है। और ADB का मुख्यालय पूछे कहाँ है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसमें टोटल अब कितने देश हो गए हैं? टोटल 69 देश हो गए हैं। यानी नवीनतम कौन सा बना है? इसराइल देश बन गया है। और ADB में अगर पूछे भारत की तरफ से उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा जी है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल में जो संसद है उसको नीसेट कहते हैं। तो इसराइल की मुद्रा का नाम है न्यू सेकल। हाल में विश्व डाक दिवस 2024 का मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में मनाया गया है। भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कब स्थापना की गई थी? तो 1974 में किया गया था, कोलकाता में। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो यह 71वां रैंक मिला है। हाल में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो यह महाराष्ट्र में खोजा गया है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हीरो महिला इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट यह 16वें क्रम का है। कहाँ इसको आयोजित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इसमें जो है कुल 31 देश के 114 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। जो ये गोल्फ का अगर पूछे कौन सा कप है? गोल्फ का राइडर कप है। ठीक है, तो राइडर कप किसका है? तो गोल्फ खेल का है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में किस गोल्फ खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में दीक्षा डागर जी को गोल्फ के लिए अर्जुन अवार्ड दिया गया था। हाल में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान परिषद परिसर की स्थापना करने की मंजूरी दी है लोथल में। ठीक है, लोथल यानी गुजरात में। और जो है फोर्टिफाइड चावल यानी कि जो है गरीब आवास योजना, गरीब जो ये अन्न वितरण होता है, ये जो है 2024 में इसमें जो है चावल वितरण समाप्त कर देने का प्रावधान था, लेकिन इसे अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि 8 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाल में छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला राज्य कौन सा है? पहला तो मध्य प्रदेश है। हाल में किस राज्य की संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन पर बर्खास्त कर दिया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया है। और इसके बाद जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीनिवात्रा जी। हाल ही में ग्लोबल एंटी रेजिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 की विजेता उर्मिला चौधरी का संबंध कहाँ से है? तो ये नेपाल की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 यह कौन प्रदान करता है? तो USA की विदेश मंत्री जो कि वर्तमान में एंटनी विलिंगटन हैं, इन्होंने यह पुरस्कार दिया है। किसको? उर्मिला चौधरी जी को दिया है। और ये कहाँ की हैं? नेपाल की हैं। किसके लिए दिया है? तो उर्मिला चौधरी जी नेपाल में एक बधुआ मजदूर मजदूर थी। ठीक है, यानी जो है अपने यहाँ पे जैसे बधुआ मजदूर कहते हैं, यानी कि अगर पिता किसी के यहाँ पे मजदूरी करता है तो उसका पुत्र भी करेगा, उसके पुत्र का पुत्र भी करेगा। तो इसी तरह से उर्मिला चौधरी जी भी नेपाल में जो है एक बधुआ मजदूर थी। और इसी बधुआ मजदूर को नेपाल में काम लारी प्रथा भी कहते हैं। तो इसी कामलारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उर्मिला चौधरी जी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है USA की विदेश मंत्री द्वारा। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 23 में किसकी बात किया गया है हमारे संविधान में? तो मानव तस्करी को रोकना, बधुआ मजदूरी को समाप्त करना, बलात्श्रम का निषेध यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है आप किसी भी कारखाने में नहीं लगा सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो जेनी अर्पन बेक को दिया गया है, ये जर्मनी की हैं। और किस उपन्यास के लिए? तो कैरोस उपन्यास के लिए दिया गया है। पृथ्वीजल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो रिकेन यामामोटा जी को मिला है। ये कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। और जेनी अर्पन बेक ये जर्मनी के हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो शक्ति फ्यूजन बैंड को दिया गया है। और इस बैंड से कौन संबंधित है? तो शंकर महादेवन देवन जी और हरि जाकिर हुसैन जी। हाल ही में लॉन्च अमृत ज्ञान कोष और संकाय विकास पोर्टल का संबंध किससे है? तो ये दोनों मिशन जो है कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी के तहत जो है इनका संबंध है। हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? तो भविष्य का संबंध है पेंशन भोगियों से संबंधित है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किए हैं? तो एस करुणानिधि जी की याद में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया गया है। और ये पूछे कहाँ के सीएम थे? तो ये तमिलनाडु के सीएम थे। आठवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं एस गोपाल कृष्णन जी। इसकी व्याख्या देखें तो SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, इसकी स्थापना करी जाती है 1975 में। लेकिन जब इसकी स्थापना 1975 में करी जाती है तो इसका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग। लेकिन 1977 में इसका नाम अधीनस्थ सेवा आयोग से बदल के कर्मचारी चयन आयोग कर दिया जाता है। इसके अभी नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एस गोपाल कृष्णन जी बनाए गए हैं। ये किसके स्थान पर आए थे? तो राकेश रंजन जी की स्थान पर इन्होंने यह पद ग्रहण किया है। इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभ्युदय जिंदल जी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष TV नरेंद्रन जी। भारत के 91 नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो संजीव खन्ना जी होंगे। वर्तमान में अगर पूछे 50वें नंबर के कौन हैं तो DY चंचूर साहब हैं। हाल ही में चर्चा में रही हम सफ़र नीति का संबंध किससे है? तो यह नीति अगर पूछे किसने शुरू किया है तो नितिन गडकरी जी ने शुरू किया है, जो कि भारत में राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। और यह जो है हम सफर नीति अगर पूछे संबंध किससे है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। हाल ही में 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो लांग का संबंध किससे है? तो ये मेघालय की हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित हुआ है UAE में। अभी जो है ये फाइनल हो गया है, किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में। ठीक है, फाइनल मैच खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड जीत जाता है और साउथ अफ्रीका उप विजेता बन जाता है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो हरियाणा में स्थापित होगा। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप क्रम जो है 24वें क्रम का। आयोजन पूछे पणजी गोवा में किया गया था। इसमें पहला रैंक या फिर ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? कर्नाटक बना है। और दूसरा स्थान किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। पहले पैरालंपिक खेल की शुरुआत अगर पूछे कब करी जाती है? तो 1960 में करी जाती है। और कहाँ? रोम इटली में करी जाती है। और पूछे कि पैरालंपिक खेल के जनक कौन है? तो पैरालंपिक खेल के, पैरालंपिक का मतलब होता है दिव्यांगों के लिए खेला जाने वाला खेल, उसे ही बोलते हैं पैरालंपिक खेल। ठीक है, तो पैरालंपिक खेल के जनक कौन है? गुटमैन जी हैं। पैरालंपिक खेल 2024 में स्वर्ण पदक में अगर पूछे भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कुल 7 पदक भारत ने पैरालंपिक खेलों में जीता था। और टोटल पदक 29 पदक थे। और 29 पदक के साथ भारत की रैंक जो है विश्व में 18वें नंबर पर थी। पहली दक्षिण आदि भारतीय आदिवासी केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कानू का शुभारंभ किया गया था कर्नाटक में। टोडा जनजाति पूछे कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। जोरांग सेंटली जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप पर। संथाल और हो जनजाति झारखंड में। भूटिया और लेपचा सिक्किम में। अबोर मिसमी और डाफला अरुणाचल प्रदेश में। गारो खांसी जयंतिया मेघालय में। हाल में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो जापान से किया है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल में शिक्षकों के लिए AI संचालित डिजिटल सहायक किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने। डिजिटल सहायक AI संचालित यानी आर्टिफिशियल संचालित डिजिटल सहायक अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने किया है। और इस डिजिटल सहायक को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो शिक्षक हैं उनकी सहायता करने के लिए और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, यानी स्कूलों में जो है शिक्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो ये AI संचालित इनको जो है ज्ञान देने वाली है, यानी इनको सिखाने वाली है।
जो कि डिजिटल सहायक के माध्यम से इन्हें सिखाया जाएगा, शिक्षक को कैसे बच्चों की सहायता करनी है और कैसे बच्चों को शिक्षण देना है। तो ये जो है किसको सिखाया जाएगा, शिक्षक को सिखाया जाएगा। अगर बात करते हैं भारत का पहला AI शिक्षक कौन सा है, आयरिस है। ये कहाँ काम कर रहा है, तो केरल में। भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है, इरा है। विश्व का पहला AI राजदूत कौन सा है, तो विक्टोरिया नाम है और कहाँ का था, या यूक्रेन का था। विश्व का पहला रोबोट जिसे नागरिकता प्रदान की गई है, तो उसका नाम है सोफिया, और नागरिकता किसने दी है, सऊदी अरब ने दी है। हाल में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है, तो PSLV-37 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था 104 उपग्रह को, और कब लॉन्च किया गया था, 2017 में, और इसे अभी धरती पर पुनः जो है वायुमंडल में प्रवेश करा लिया गया है 2024 को, ठीक है, 2024 में करा लिया गया था। और तारीख पूछे कौन सा, तो 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को कराया गया था। 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। हाल में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा से कांस्य की प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो USA में किया गया है। हाल में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो सिल्वर मेडल जीते हैं। हाल में नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए केरल का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो केरल में। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।